आर सीरीज की पेशकश है। सैलानी बाबा का मेला खत्म होने के बाद का नज़ारा किस तरीके से रहता है, क्योंकि लाखों करोड़ों पब्लिक आती है, घचरा घान सब आती है। देख सकते हो दरगाह पर संदल जा रहा, कुछ दिनों में कुछ सालों में यही लोग दरगाह पर ज़्यादा दिखेंगे। उसी तरीके से सैलानी बाबा जैसे दिखने वाले एक शख्स भी है जो यहाँ पे दिखाई देते हैं सैलानी बाबा के मेले के टाइम पर। और देख सकते हो सैलानी बाबा का जब मेला ख़त्म होता था उसके बाद का नज़ारा देखिए किस तरीके से यहाँ पे हवा तूफान चलती है जो कचरा पर उड़ा कर आसमान तक लेके जाती है। नज़ारा देखिए आप। ये जो नज़ारा है मेला ख़त्म होने के बाद तूफान उठता है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ अगर दुकान रहेंगे इस हवा के जरिए सब उड़कर हवा में चले जाएंगे आसमान तक। देख सकते हो कचरा कहाँ तक जा रहा है इसके अंदर, और यही नज़ारा देखने मिलता है। और मुझे लगता है कि जब कचरा इतना हो जाता है तो ये इसी तरीके से हवा जब उड़ा के लेके चली तो मेरे ख्याल से खेत वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं। सैलानी बाबा का जो मेला है उसका ख़त्म होने के बाद का ये नज़ारा इस तरीके से। अब वो देख सकते हो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, वहाँ तक की दुकानें लगती है और ये पूरे के पूरे झोपड़े यहाँ पर तैयार होते हैं। माना ये जाता है कि झोपड़े वालों से भी 100-200 रुपये यहाँ पर लिया जाता है। ये कम से कम 500-1000 एकड़ के अंदर कम से कम ये मेला भरा जाता है यहाँ पर ये मेला होने के बाद का नज़ारा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ झूला दिखाई देगा और झूले से साबित ये होता है कि यहाँ पर मेला हुआ था। और आप ये नहीं कह सकते कि मेला यहाँ भरा हुआ है, हुआ था, क्योंकि एकदम खाली हो चुका है। अब पब्लिक पूरी जा चुकी है, अब सिर्फ यहाँ पर लोकल पब्लिक आएगी जो यहाँ पर रहवासी जो है वो झूले वगैरह के हिसाब से आएगा। और ये जो सड़क देख रहे हो आप, संदल का रास्ता यही है आने जाने का। संदल यहीं से दरगाह पर आता है और ये आपको सैलानी गांव का नज़ारा दिखाने की। सैलानी सरकार जब उरूस आता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे आस के मारे आते हैं। कोई मंगने के हिसाब से आता है, कोई पीर मुरीदी के हिसाब से आता है, कोई बाबागिरी करने का नोट कमाता है। पर यहाँ पर एक अलग हटके नज़ारा देखा मैंने कि यहाँ पे बैल से और गाय से भी मांगा जाता है। यहाँ पर गाय अगर नहीं मांगेगी तो उसको पीछे से मार कर इशारा किया जाता है और वो जब मांगती है तो लोग उसको पैसे भी दिए जाते हैं। और इतनी होशियार बैल और गाय मैंने आज तक नहीं देखा। भले इसके सर में ट्यूमर है फिर भी इनसे मंगवाते हैं लोग। मैंने खुद इनसे आंखों से देखा और ये शूटिंग आपको उसके सबूत है। देख सकते हो किस तरीके से गाय और मांगी जाएगी, मांगेगा देखो आप, और इसके इशारे में कैसी बात करेगी। त्या घराकडे तोंड करून उभा राहा, आखरी घरी जाय। जंबोनाचा नंदी महाराज काय नाही काय नाही नंदी मी कोणाला गेले अरे होय ते गावाला गेले सगळे नंदी महाराज ये माईच्या जवळ मी नंदीचा बोल झाला नंदी महाराज ए कोण नाही पांडुरंगा पायचंदच्या या नंदी महाराज म्हणते नी काही दोन पावलं पुढे करू माईचा इनाम घे नंदी महाराज ये नज़ारा आपको किसी भी चैनल पर नहीं देखने मिला होगा कि बैल से मंगवाया भी जा सकता है।
मैंने भालू भी देखा है, बंदर भी देखा और इंसान को सरकस बताते हुए भी देखा है, पर इस तरीके से मांगते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। पहली बार सैलानी सरकार के मेले में देखने। कुछ दुकानदार की बात बताता हूँ आपको। कुछ दुकानदार अपने आप को होलसेल व्यापारी कहते हैं, पर उन्हें होलसेल का मतलब ही नहीं मालूम। जैसे ये एक दुकान देखो, आप देख सकते हो, ये अंगूठी की दुकान है जो अपने आप को होलसेल बताते हैं। सलाम वालेकुम। ऐसा रहा मेला ऐसा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मेला था। मैंने सुना कि आपका होलसेल दुकान नहीं है। अरे होलसेल चिल्लर सब है हमारी। होलसेल चिल्लर सब है? अरे क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले चिल्लर है बाद में होलसेल है। पलटी मार दी बबलू भाई ने। मजा ले।